स्वागत है दोस्तों आपका आज की इस नई वीडियो में। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल इंटीरियर फर्नीचर आइडियाज़। मेरा नाम है फिरोज। तो आज की इस वीडियो में मैं आपके लिए एक स्मॉल टी यूनिट का डिज़ाइन लेके आया हूँ जो कि हमने बनाया है लिविंग रूम के अंदर। तो आज की इस वीडियो में पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि हमने टी यूनिट को किस तरह से पूरा ये मेकिंग किया है और पूरा डिटेल के साथ देखेंगे कि इसका साइज़ वगैरह क्या रखा है हमने। तो बने रहिए वीडियो में। तो सबसे पहले हम ये ट्यूनेट का अगर साइज़ का बात करेंगे तो इसका जो साइज़ है, इसका जो हाइट रखा है हमने, ये तकरीबन है ये 6 फीट है और इसका जो ये लेंथ है ये पूरा ये 7 फीट है। और उसके अंदर आप ये देख सकते हो, ये इसका जो ऊपर का जो साइज़ रखा है हमने शोपीस का, ये रखा है तकरीबन हमने 21 इंच रखा है। उसके साथ ही आप ये देख सकते हो इसका जो हाइट रखा है हमने ये 5 फीट है। और ये जो आप डिप देख सकते हो इसके अंदर हमने ये दिया है, ये हाइट में ये 12 इंच है और इसका जो ये लेंथ है ये 9 से 10 इंच है। और इसका जो डिप रखा है हमने तकरीबन ये 8 इंच डिप रखा है हमने। तो इसी हिसाब से 1 2 3 इसी हिसाब से हमने इसको डिज़ाइन किया है। और ये आप साइड से देख सकते हो, ये भी साइड से डिज़ाइन रखा है हमने तकरीबन आया 8 से 9 इंच इसी हिसाब से। और ऊपर का आप ये धार देख सकते हो, पूरा हमने 1.25 इंच का ये धार रखा है पूरा ऊपर का ये जो टॉप लेवल है। और इसी के साथ ही जो नीचे से देख सकते हो आप, ये तकरीबन ये हमने 8 इंच हैंगिंग रखा है। और इसी के साथ ही आप देख सकते हो इसके अंदर भी हमने ये टॉप लेवल पूरा ये 1.25 इंच रखी है, डिप के अंदर ये 1.25 इंच ये डिप में उसी हिसाब से 4 ड्राव दिया है हमने इसके अंदर। तो इसी हिसाब से देख सकते हो आप, ये जो हमने ये ड्राव रखा है ये तकरीबन ये 7 से 7.5 इंच ये ड्राव का हाइट है और इसका लंबाई ये तकरीबन ये 20 20 इंच का ये लंबाई है। तो इसी हिसाब से आपको रखना है। तो ये देख सकते हो, इसी के साथ देख सकते हो जो टॉप रखा है हमने ये भी रखा है तकरीबन 21 इंच का टॉप है, ये बॉटम टू बॉटम ये लेवल से बराबर। और इसी के साथ देख सकते हो ये ऊपर का जो टॉप लेवल रखा है हमने तकरीबन ये 16 इंच है और ये जो अंदर अंदर का जो धार मिला है ये तकरीबन 3.5 फीट है। और इसी के साथ देख सकते हो जो टीवी पैनल के पास ये जो हाइट रखा है हमने तकरीबन इससे ये टॉप लेवल से रखा है हमने ये 18 इंच छोड़ा है। तो उसी हिसाब से ऊपर भी वही माप रखा है हमने। और ये टॉप लेवल है ये टीवी नेट का, ये जो रखा है हमने ये 26 इंच रखा है। और ये पीछे देख सकते हो आप, इसके अंदर भी हमने ये एलईडी का स्पॉट दिया है और इधर भी 3 स्पॉट दिया है। उसके अंदर ये पूरा अपना स्पॉटलाइट बैठेगा और इधर एलईडी बैठेगा। और ऊपर का जो टॉप लेवल देख सकते हो आप, ये रखा है हमने तकरीबन 12 इंच रखा है और उसके अंदर भी हमने 3 स्पॉटलाइट दिया है। और ऊपर का ये पूरा जो धार देख सकते हो आप, ये भी पूरा हमने ये 1.25 इंच लिया है। और उसी के साथ इस साइड का जो शोपीस लिया है हमने तकरीबन ये 15 इंच है और उसका जो डिप्थ है ये तकरीबन 10 इंच है ये। और उसी के साथ ये जो देख सकते हो आप फ्रेमिंग हमने ये 1.25 इंच का फ्रेमिंग दिया है इसके अंदर प्लाई में। और अंदर पूरा ये ग्लॉसी माइका आएगा, अपना ग्लॉसी माइका आएगा अंदर भी पूरा टोटल। और उसके अंदर ये पूरा 12 mm के सेल पा जाएंगे। और ऊपर भी हमने इसके अंदर एक स्पॉटलाइट दिया हुआ है इसके अंदर देख सकते हो आप। और उसी के साथ देख सकते हो ये जो ट्विन का जो अंदर अंदर का जो ये हमने लेंथ रखा है ये तकरीबन ये 4.25 फीट है। तो इसी हिसाब से देख सकते हो इस साइड भी हमने इसको ये पूरा 1.25 इंच किया है। और उसी के साथ देख सकते हो ये पूरा ये सी टाइप में 1.25 किया है, ड्रॉ पूरा ये 4 इंच डिप के अंदर है। उसके साथ ये ऊपर का जो टॉप लेवल रखा है हमने ये भी पूरा ये 21 इंच है जो कि देख सकते हो तकरीबन ये साइज और वो साइज पूरा हमने सेम रखा है इसके अंदर। तो उसी के साथ देख रहे हैं हमने इसको 2 स्विच बोर्ड दिया है जो कि पूरा ये ट्यूनेट को इधर से ही पूरा ये कंट्रोल करेगा। तो ऐसे ही अच्छी अच्छी वीडियो देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।